सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान प्रभारी विनय कुमार, उनकी टीम एवं क्राइम ब्रांच टीम ने आज लूट के सामान सहित तीन लुटेरों को पकड़कर किया भांडाफोड़, जिसका खुलासा आज एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक द्वारा पत्रकारों के समक्ष भी किया गया। आपको बता दें कि 17 अगस्त 2022 को उन्हीं लुटेरों द्वारा बंधक बैंक के कर्मचारी से ग्राम हरडेकी के जंगल में एक बड़ी लूट को अंजाम दिया था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज होते ही जैसे ही मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा के संज्ञान में आया तो उन्होंने थाना रामपुर मनिहारान प्रभारी विनय कुमार को लूट के खुलासे के कड़े निर्देश दे डाले। इधर थाना प्रभारी विनय कुमार ने भी अपनी पुलिस एवं क्राइम ब्रांच टीम के सहयोग से बदमाशों की तलाश में लगातार दबिशें देनी शुरू कर दी, जबकि इनके दो साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है, जिसका खुलासा आज एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक द्वारा पत्रकारों के समक्ष किया गया। सहारनपुर जिले में जून माह से लेकर अगस्त माह के बीच में थाना नागल और रामपुर मनिहारन में कुछ लूट की घटनाएं हुई थी। उनका सीओ नकुट, सीओ क्राइम और थाना रामपुर के एसएचओ के कुशल पर्यवेक्षण में एक सफल अनावरण किया गया है। इसमें ये तीन अपराधी पकड़े गए हैं। ये तीनों अपराधियों ने यहाँ पे तीन लूट को अंजाम दिया था, जिसमें से एक नागल की लूट है और दो रामपुर मनिहारन की लूट है। ये जो तीनों अपराधी पकड़े गए हैं, इनका नाम इस तरह से है, इनमें जो एक संदीप है, एक सचिन और एक रॉबिन, और दो इनके गैंग के मेंबर हैं गोविंद और आकाश, ये अभी फरार हैं, इनको भी पकड़ने की कोशिश चल रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।